नमस्कार दोस्तों, मैं शशवीर पवार आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के एक और बेहतरीन पर्यटन स्थल के बारे में बताने वाला हूं, जिसको हम पहाड़ों की रानी यानी कि क्वींस ऑफ हिल्स के नाम से भी जानते हैं। आप में से बहुत लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं मसूरी की ही बात कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मसूरी के 13 बेस्ट प्लेसेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जब आप कभी भी मसूरी घूमने आए तो इन जगहों को जरूर विजिट करें। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर एक, मसूरी लेक। देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से विकसित किया गया मसूरी लेक हाल ही में बना टूरिस्ट अट्रैक्शन है। देहरादून से ऊपर मसूरी आते वक्त मसूरी से 6 किलोमीटर पहले ही ये स्थित है मसूरी लेक। और यहाँ कुछ देर के लिए सही, लेकिन रुकना तो बनता है। आप चाहें तो यहाँ पैंडल वाली बोट में बोट राइड भी कर सकते हैं और यहाँ से घाटी का बेहद खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रह सकते हैं। फिलहाल एंट्री टिकट ₹15 है। नंबर दो, कैंपटी फॉल। मसूरी के रामगांव में स्थित कैंपटी फॉल मसूरी आने वाले पर्यटकों के बीच सबसे फेमस जगह है। यह वाटरफॉल करीब 40 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरते हैं और फिर 5-5 अलग धाराओं में बढ़ जाते हैं। यहां आपको हर वक्त ही पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ नज़र आएगी। आप चाहें तो यहां परिवार या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए भी आ सकते हैं। नंबर तीन, लाल टिब्बा। मसूरी के लंडौर में स्थित लाल टिब्बा का अर्थ है लाल पहाड़ और यह मसूरी का हाईएस्ट पॉइंट है। भारतीय सेना के साथ ही यहाँ ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन भी यहीं पर है, लिहाजा यहाँ प्रवेश वर्जित है। आप चाहें तो यहाँ की पहाड़ी पर 20 मीटर ऊंचे टावर पर रखे पुराने टेलीस्कोप के जरिए इस पहाड़ी की खूबसूरती को निहार सकते हैं। नंबर चार, गन हिल। लाल टिब्बा के बाद गन हिल मसूरी का दूसरा सबसे ऊंचा पॉइंट है, जो माल रोड से करीब 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आप चाहें तो यहां रोपवे की मदद से भी पहुंच सकते हैं या फिर आधा घंटा लंबी एक ट्रैक है जिसके जरिए आप यहां तक पहुंच सकते हैं। गन हिल पर ऊपर पहुंचने के बाद आप टेलीस्कोप की मदद से सामने दिख रही हिमालय की पहाड़ियों को बेहद करीब से देख और महसूस कर सकते हैं। नंबर पाँच, द मॉल रोड। मसूरी के दिल में बसा है मॉल रोड, जहां हर वक्त टूरिस्ट की भीड़ जमा रहती है। आप चाहें तो शाम के वक्त यहां आराम से टहलने निकल सकते हैं। शॉपिंग करने का इरादा है तब भी मॉल रोड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मूवी थिएटर के साथ साथ ही कॉफ़ी शॉप और रेस्टोरेंट भी यहाँ पर अवेलेबल है। यह 2 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है जो लाइब्रेरी पॉइंट से शुरू होकर पिक्चर पैलेस तक जाता है। नंबर छः, लेक मिस्ट। पन्ना के पानी को हरे भरे वन क्षेत्रों द्वारा कवर किया गया है, जो पूरे परिदृश्य को एक शानदार छवि देता है। यह कैंपटी फॉल के रास्ते पर आता है। एक और प्लस पॉइंट है कि यह जगह कम भीड़ भाड़ वाली है, इसीलिए आप प्रकृति की गोद में शांति का आनंद ले सकते हैं। हरे भरे जंगलों के बीच आकाश के नीचे आपको बोटिंग के लिए सही स्थान मिलता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झील के किनारे पर आवास बनाए गए हैं, जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करते हैं। नंबर सात, भट्टा फॉल। भट्टा गांव के पास मसूरी देहरादून रोड पर मसूरी से भट्टा फॉल 7 किलोमीटर है। मसूरी आने वाले लोगों के लिए एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। इस स्थान पर कुछ भोजनालय है जहां आप नूडल, उबले अंडे, सूप और पसंदीदा कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं। नंबर आठ, कंपनी गार्डन। यह मसूरी के गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा बनाए गए हरे रंग का एक पैच है। बगीचे में मानव निर्मित झरनों के साथ नौका विहार के लिए एक तालाब है। कंपनी गार्डन का हरे भरे कालीनों वाला लॉन 800 से अधिक प्रकार के फूलों व पौधों से घिरा है। कंपनी गार्डन में एक मनोरंजन पार्क भी है। यहाँ बच्चे कई चीज़ों की सवारी कर सकते हैं। नौका विहार के लिए 15 मिनट के प्रति व्यक्ति शुल्क ₹75 है। यहाँ लगभग
10-12 दुकानें हैं जो आपको छोटे स्मृति चिन्ह व ट्रिंकलेट बेचती है। नंबर 9, नाग टिब्बा। मसूरी के पास स्थित नाग टिब्बा एक बहुत ही शानदार ट्रैकिंग स्थल है। यह स्थान बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच लगभग 10,000 फीट की चढ़ाई पर स्थित है। यह स्थान स्वर्ग की चोटी के रूप में भी जाना जाता है। नाग टिब्बा 9,915 मीटर की ऊंचाई के साथ नाग टिब्बा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। यह जगह वनस्पति, जीवों व देवदार के पेड़ों से घिरी हुई है। नंबर 10, बेनोग वन्यजीव अभयारण्य। यह जगह लाइब्रेरी पॉइंट से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है। यह जगह उन लोगों के लिए दिलचस्प है जो बर्ड वॉचिंग और वाइल्ड लाइफ पसंद करते हैं। इसके अलावा द वाइट कैप वाटर पैंथर, हिरन, भालू और हिमालय बकरियों को देखना यहाँ अच्छा अनुभव रहेगा। नंबर 11, मौसी फॉल। मौसी फॉल एक घने जंगल से घिरा हुआ है और मसूरी से 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ बार्लोगंज के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। मौसी फॉल का नाम गढ़ा झरने के आसपास की काई से भरी चट्टानों के नाम पर रखा गया है। मंत्रमुग्ध कर देने वाला यह झरना शहर की भीड़ भाड़ से दूर है। यह ट्रैकर्स के लिए एक गर्म स्थान है। इसके अलावा फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए अपने समृद्ध दृश्यों और न्यूनतम मानव इंटरेक्शन के कारण जाना जाता है। नंबर 12, झरीपानी फॉल। मसूरी से 8 किलोमीटर की दूरी पर झरीपानी झरना है, जहां आप 30 मिनट की पैदल दूरी पर पहुंच सकते हैं। यह जगह एक आदर्श पिकनिक स्पॉट होने के साथ ही नेचर लवर्स और रोमांच पसंद करने वाले लोगों के लिए बेहद अच्छी जगह है। नंबर 13, धनौल्टी। मसूरी से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उत्तराखंड का यह छोटा सा शहर धनौल्टी समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। देवदार के जंगलों से घिरा धनौल्टी शहर की भीड़ से दूर आने का एक अच्छा स्थल है। धनौल्टी अपने पार्क व एडवेंचर एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। तो ये थे मसूरी घूमने के 13 बेस्ट प्लेसेस। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नहीं पसंद आता तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपके कोई भी राय है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।